अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाफर आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी इन्फोवर्स। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओपन रेट की। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें कुछ पे तो प्राइस लिखे होते हैं, प्राइस मेंशन होते हैं कंपनी की तरफ से, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं होते। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बस ये चीज़ें मेंशन होती हैं, प्राइस उस पर मेंशन नहीं होते। दैट्स मीन कि इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम कहते हैं कि वो ओपन प्राइस पे सेल हो रही है। तो ओपन प्राइस जो है वो एक बहुत बड़ा ही जो है ना, वो क्या कहूँ मैं उसको, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा उसके लिए, एक बहुत ही बड़ा स्यापा है, सीधे अल्फाज में मौजिद तरीके से बहुत ही बड़ा स्यापा है भाई ये, और बड़ी इसके पीछे रॉकेट साइंस है। रीज़न ये है कि ओपन रेट में भैया कितने बड़े बड़े लोहाती बैठे हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, भले वो होलसेलर हो जाए भले रिटेलर हो जाए, और इन सब की चांदनी होती है। उसका रीज़न क्या है कि जब इस पे प्राइस इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मिल्क पैक, ऑल पर डेयरी उमंग और तरंग रखा हुआ है, अभी इन सब के प्राइस बढ़ गए हैं। मिल्क पैक ऑल पर 40 रुपए का रिटेल हो रहा था, अब ये 45 का हो गया, 5 रुपए इस पे बढ़ गए हैं। इस तरह से तरंग और डेयरी उमंग ये 25 का सेल हो रहा था और अब इस पे भी 5 रुपए बढ़ गए हैं, अब ये 30 रुपए का रिटेल होगा, एंड कंज्यूमर को 30 रुपए का ये प्लान मिलेगा। ओपन रेट पे समझ लें कि ऐसी दंगा है ये जिसमें हर कोई हाथ धोता है, और जो कंज्यूमर है भैया वो हाथ धोते नहीं हैं, वो अपने हाथ मलते रह जाते हैं। और ऐसी प्रोडक्ट्स पे प्राइस मेंशन होती है उस पे कंज्यूमर जो है वो, जो ऊपर के लोग बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर वाले हो गए और रिटेल वाले हो गए, वो गंगा में नहाते नहा नहीं सकते, वो गंदे ही रहते हैं। और इसमें ये होता है कि एंड कस्टमर जो है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, बाहर कीमतें तो उसकी बढ़ती हैं, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग ओपन रेट पे कीमत बढ़ने से होती है वो उसमें नहीं होती। अब इसको समझने के लिए ये है कि फर्स्ट करें मिल्क पैक की अभी कीमत बढ़ी है, इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है। अच्छा, अगर इस पर प्राइस मेंशन होती है तो जो पुराना स्टॉक पड़ा था जिस मेंशन प्राइस में उसी में सेल होता, और नया कंपनी की तरफ से जो नया स्टॉक आता, फॉर एग्जांपल पैसे बढ़ते इसके और नया स्टॉक कंपनी बेचती जिसके ऊपर मेंशन होते प्राइस के इसकी कीमत बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से वो मार्केट में बिक रहा होता। अब ओपन रेट पे क्या होता है, ओपन रेट पे होता ये है कि जब पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटर को और होलसेलर को कि इसके प्राइस बढ़ने वाले, तो वो इसको एक्सेस इसकी परचेजिंग करके अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, और एक मार्केट में बहरानी कैफियत हो जाती है क्योंकि मार्केट में वो माल तकरीबन शॉर्ट हो जाता है, जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो सारे के सारे उसको अपने पास स्टॉक करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे कि अभी मिल्क पैक की बात कर रहा हूँ मैं, इसके प्राइस बढ़े नहीं थे और मार्केट में ये शॉर्ट था और लोगों ने वही स्टॉक कर लिया था, नहीं मिल रहा था मार्केट में। तो इसमें आप अंदाज़ा करें कि जिसके पास जितना पैसा होता है और जितना वो परचेस कर सकता है, तो उसमें ये भी कंडीशन आ जाती है कि कंपनी से इतना माल ही नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनकी भी एक सर्टन प्रोडक्शन होती है, जितनी प्रोडक्शन होती है वो उठा के ये लोग गोडाउन में अपने सेव कर लेते हैं, क्योंकि दो तीन दिन की गेम होती है। दो तीन दिन के अंदर आप अंदाज़ा करें कि एक आइटम पे 5 रुपये इंक्रीज हुए, मेरा ख्याल है करोड़ों पीस का रोज़ाना इसकी सेल होती होगी, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना जो पैसा है वो इस वक्त मार्केट में लोगों ने एक दिन के अंदर बना लिया होगा। तो भैया हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि प्राइस मेंशन कर दें चीज़ों पे, हर चीज़ पे प्राइस मेंशन हो। इस सारे सिनेरियो में नुकसान जो है वो होता है एंड कस्टमर का, और जो बड़े स्टॉकर्स बैठे हुए हैं उनकी तो जनाब दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी आपके साथ। हमारी वीडियो जो प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं और कंसर्न जो इदारे हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उन तक हमारी वीडियो पहुँचे, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा इस बारे में भी देख लें, गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा भाई। आज तक इतना ही, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।